अगर आप फिल करके नहीं आए हैं तो वहाँ फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस दिन तो आप इंटरव्यू के दिन उसको जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार एनसीएल बना रहे हैं, कट ऑफ डेट जो है प्रीलिम्स का लास्ट डेट का फॉर्म भरने का, अगर उसके बाद आप पहली बार बना रहे हैं तो फिर वो मान्य नहीं होता है। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको वेट होता है, हाइट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, डायबिटीज वगैरह चेक होता है, शुगर चेक होता है यूरिन सैंपल से। अगर आपका वो 6x6 आई साइट नहीं है ना, तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं रीड करने बोलते हैं, अगर आप उसे प्रॉपरली रीड कर गए तो फिर तो आपका वो ग्रीन सिग्नल है, लेकिन आप रीड अगर नहीं कर सके तो आपकी जो सर्विस प्रेफरेंस होंगे, जैसे कि सर्विस हो गए पुलिस वाली, जैसे BPS हो गए, जेलर हो गए, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हो गए, एक्साइज हो गए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होती होता है, सिर्फ यूरिन टेस्ट होता है। और उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप अंडरटेकिंग वगैरह दे के उसे आप सुधार कर सकते हैं। फिर मेडिकल टेस्ट रीमेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर है, और मतलब जब होगा तो फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑथोराइज है, वहाँ पे जाके करवाना होता है, फिर कहीं से भी करवा के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। भी हमारे साथ राकेश कुमार सर हैं, जो 69 BPSC का सर इंटरव्यू देके सर बाहर निकले हैं। सर से जानेंगे सर का एक्सपीरियंस क्या ऐसा था, किस टाइप का बोर्ड था, क्या क्या सवाल सर से पूछे गए हैं। इसके अलावा आप जो भी एस्पिरेंट है 70th या फिर 71st के, आप सबकी बहुत डिमांड होती है, कमेंट्स में आप लिख कर जाते हैं कि मेडिकल टेस्ट पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाइए। तो सर बताएंगे डिटेल में कि किस तरीके का यहाँ पे प्रोसीजर होता है मेडिकल टेस्ट में, क्या क्या टेस्टेस होते हैं, और यदि किस चीज़ में अनफिट होता है उसका अंडरटेकिंग वगैरह मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में अंडरटेकिंग किस टाइप का मिलता है, मतलब बेसिकली एक होलिस्टिक आप लोगों का वीडियो होगा उसके रिगार्डिंग। और आप सभी अभी से रेडी हो जाएंगे 70th और 71st के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ें चाहिए होती है। सर सबसे पहले सर आप कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए, सर थोड़ा ब्रीफली सर अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके सर, कैसा रहा सर इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था सर। कौन सा बोर्ड था, कुछ सर क्वेश्चन वगैरह याद आ रहे हो तो सर कुछ बताएं। मेरा सोन बोर्ड था, DPM का बोर्ड था, मैं पहला ही था मेरा इंटरव्यू। सर ओवरऑल अटेम्प्ट आपका? ये दूसरा अटेम्प्ट है, दूसरा इंटरव्यू है। सर मीडियम का रखा है? सर मेरा मीडियम इंग्लिश है। सर थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए, एकेडमिक बैकग्राउंड सर? मेरा ग्रेजुएशन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से? यस। अभी सर कहाँ रहते हैं? अभी सर दिल्ली में रहता हूँ। सर आप ये बताएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सर किस तरीके का प्रोसीजर है सर, और किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस दिन आपका डेट पड़ता है उस दिन आपको आना पड़ता है, क्लास 10 का मार्कशीट लगता है, ग्रेजुएशन का डिग्री लगता है, और फिर आधार कार्ड लगता है, और जो आपका जो सर्विस प्रेफरेंस है वो परपत्र 1 परपत्र 2 लगता है, और बाकी नॉर्मल प्रोसेस होता है यहाँ पर। सर कितने सर जीरोक्स कॉपियाँ लगती है, मान गए कितने? दो मांगते हैं ये लोग यहाँ पर, लेकिन सबमिट एक ही होता है। सबमिट एक, हाँ। और सर मांगे कोई सर नहीं करके लेकर आया अंदर में, सर तो अंदर में करने की फैसिलिटी होती है? अगर आप फिल करके नहीं आए हैं तो वहाँ फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस दिन तो आप इंटरव्यू के दिन उसको जमा कर सकते हैं। आप वहाँ पर साइन कर सकते हैं कि मैं जमा कर दूंगा इंटरव्यू के दिन, तो आप आज वहाँ आके जमा कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद अगर आप बोलेंगे तो फिर वो समय नहीं दिया जाता है, तो आज लास्ट डेट ही होता है इंटरव्यू को जमा करने का। सर NCL वगैरह मान के सर जो पुराना होता है जिसमें फॉर्म फिल करने का उस समय का चाहिए होता है, फिर करंट का भी चलेगा? जब NCL का बात ऐसा है कुछ कि जिस दिन आपका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट होता है आपका, उस दिन तक बना होना चाहिए। अगर आपका करंट ईयर का नहीं भी है, अगर 2 साल पहले का भी है तो वो भी चलेगा, लेकिन जब आपका DB होगा तो आप उस समय करंट का लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार NCL बना रहे हैं, कट ऑफ डेट जो है प्रीलिम्स का लास्ट डेट का फॉर्म भरने का, अगर उसके बाद आप पहली बार बना रहे हैं तो फिर वो मान्य नहीं होता है, मतलब आपका पहले किसी न किसी ईयर का होना चाहिए। अगर उस साल का नहीं है तो पहले का है तो भी चलता है। मतलब सर अभी कोई फिलहाल बना के दे DB वगैरह का टाइम का, तो सर उसको मान्य नहीं किया जाएगा? अभी बना के दीजिए, मान होगा, लेकिन शर्त है कि आपका पहले होना चाहिए बना हो, कभी ना कभी किसी साल पहले NCL बना होना चाहिए तभी होगा, वरना नहीं होगा। माने कि फ्यूचर में पहले कभी NCL बना ही नहीं है, और सर DB वाले दिन एक आध महीने पहले का हम लेकर आ रहे NCL, तो उसका फिर क्या होगा, मतलब कैसे होगा? अगर आपका पहले का कभी NCL नहीं बना हुआ है, आप पहली बार बना रहे हैं, तो और भी जो लास्ट डेट है प्रीलिम्स फॉर्म भरने का, अगर उसके बाद बना रहे हैं पहली बार तो फिर वो मान्य नहीं होता, क्योंकि प्रीलिम्स के फॉर्म में नीचे कट ऑफ डेट दिया रहता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फिर वो मान्य नहीं होता है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर पहले 5 साल का भी हो उसको अपडेट करा लीजिए, वो चल जाएगा, लेकिन पहले कहीं ना कहीं होना चाहिए। और सर मेडिकल टेस्ट में सर कैसे क्या होता है? मेडिकल टेस्ट सर थोड़ा डिटेल में बताइए, किस किस बॉडी है, कौन सा अंग किस तरीके से चेक होता है, क्या क्या चेक? मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका वेट होता है, हाइट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, डायबिटीज वगैरह चेक होता है, शुगर चेक होता है यूरिन सैंपल से, फिर आई टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है, फ्लैट फुट वगैरह तो नहीं है, नॉकनी तो नहीं है, ये सब चेक होता है। तो सर मेडिकल टेस्ट कौन सा दिन होता है? मेडिकल टेस्ट जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है 69th में उसी दिन था। हाँ 68th में? 68th में भी सर वो आई थिंक उसी दिन था सर। यस सर।
और मान गए आई किसी का डीएसपी के लिए सर कोई अप्लाई कर रहा है और उसका स्पेक्टेकल सर लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं और 6x6 सर उसके बिना चश्मे उसका आई का वो नहीं है आई साइट, तो फिर वो मतलब उसके लिए क्या हो? अगर आपका वो 6x6 आई साइट नहीं है ना, तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं रीड करने बोलते हैं, अगर आप उसे प्रॉपरली रीड कर गए तो फिर तो आपका वो ग्रीन सिग्नल है, लेकिन आप रीड अगर नहीं कर सके तो आपकी जो सर्विस प्रेफरेंस होंगे, जैसे कि सर्विस हो गए पुलिस वाली, जैसे बीपीएस हो गए, जेलर हो गए, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हो गए, एक्साइज हो गए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, फिर आपका ये ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। यस सर, फ्लैट फुट वगैरह? फ्लैट फुट वगैरह में भी होता है कि अगर फ्लैट फुट है तो जितने भी आपके वर्दी वाले प्रेफरेंस हैं वो सब के लिए आप फिर एलिजिबल नहीं होते हैं। यस और कहीं सर मान गए कि ये ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसमें सर कोई कमी अगर निकलता है तो फिर उसका इम्पैक्ट सर्विस प्रेफरेंस पर सर पड़ता है या फिर रिक्रूटमेंट भी पूरा पड़ता है? ब्लड टेस्ट यहाँ नहीं होता है, सिर्फ यूरिन टेस्ट होता है, और उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप अंडरटेकिंग वगैरह दे के उसे आप सुधार कर सकते हैं। कितना दिन का सर अंडरटेकिंग? सॉरी इसके जानकारी मुझे नहीं है कितने दिन का मिलता है। और सर हाइट सर डीएसपी के लिए क्या चाहिए? हाइट आई थिंक 5 फीट 6 इंच का होता है, तो वो कुछ होता है, अगर उसके नीचे आप आते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं होते वहाँ पर, वो हाइट प्रॉपर मान आते हैं अच्छे से सर। तो यदि यहाँ किसी टेस्ट में अगर अनफिट होते हैं तो फिर मेडिकल टेस्ट, रीमेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर है और मतलब जब होगा तो फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज है वहाँ पे जाके करवाना होता है, फिर कहीं से भी करवा के लेगा? जो शायद फेल होते हैं ना यहाँ पर, तो वो बीपीएससी उनके डालती है लिस्ट में नाम, वो बीपीएससी अलॉट करती है किस अस्पताल में किस डेट में करवाना है आपको। हाँ वहाँ से पर फिर सर उसका फिट का सर्टिफिकेट? हाँ फिर वहाँ से आपको वो मेडिकली करवा के यहाँ लाके जमा करना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सर इसके अलावा कोई और जानकारी भी हो तो बताइए। मेडिकल में तो यही है बेसिकली। हाँ डॉक्यूमेंट का सर बताएंगे? डॉक्यूमेंट में बताएं दिया, सबसे अधिक क्वेरी होता है एनसीएल को लेके, तो कट ऑफ डेट के पहले का होना चाहिए, वो कितना पुराना वो चल जाएगा, लेकिन कट ऑफ डेट के बाद पहले बार आ रहे हैं फिर वो माने नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म में ही लिखा रहता है कि कट ऑफ डेट जो भी इस बार 4 नवंबर रखा गया है 70 BPC का, तो 4 नवंबर तक जिसका बना हुआ है वो ठीक है, अगर पहली बार बनवा रहे हैं 4 नवंबर के बाद तो फिर वो माने नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस बार स्वीकार करता हूँ सर का फाइनल इसमें सर नाम हो।